दोस्तों हर फ्रीजर के अंदर इस तरह का करंट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला करंट है और पीछे की तरफ देखें यहाँ पर भी करंट आ रहा है और अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी करंट आ रहा है और बॉडी के अंदर भी करंट आ रहा है और चारों ओर फ्रीजर के अंदर इस तरह का हवाई करंट देखने को मिलता है जो कि काफी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का करंट होता है। अब यहाँ पर इसको ठीक कैसे किया जाता है, सबसे पहले फ्रीजर को साइड में कीजिए, इसका सॉकेट के अंदर देखिए सबसे पहले राइट साइड में फेज आना चाहिए। अब इस स्विचबोर्ड को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं फेज न्यूट्रल और अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक टुकड़ा दीजिए वायर का और अर्थिंग में लगाइए। अब यहाँ पर दूसरा सिरा जो होता है इसका यहाँ पर स्विच बोर्ड का जो स्क्रू होता है इसके अंदर लपेट दीजिए कुछ इस तरीके से। लपेटने के बाद अब मैं आपको बता दूं ये जो अर्थ है ये स्विच बोर्ड के अंदर मिल जाएगा कुछ मिली एम्पियर का जो कि हल्के फुल्के करंट को रोक सकता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है फ्रीजर को, अब देख सकते हैं 100% सेफ एंड सिक्योर, यहाँ पे बिल्कुल भी करंट देखने को नहीं मिल रहा है फ्रीजर के अंदर कहीं पे भी। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी फ्रीजर को टच करते हैं तो करंट नहीं लगता लेकिन टेस्टर के अंदर करंट देखने को मिलता है क्योंकि फ्रीजर के अंदर 0.5 एमए का करंट है और यहाँ पर हमारे शरीर से जो अर्थ निकल रहा है वो 22 एमए का है, इसलिए करंट को रोक रहा है।